नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, और इस वीडियो को प्लीज मिस मत करना, क्योंकि जो कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होंगे। साथ ही साथ कुछ कंपनीज के बारे में एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से भी मैं आपके डिस्कशन करूंगा, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे और आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा और उसके चलते ही आपको एक अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, जहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ट्रेड भी दिया जाता है। जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जाकर जरूर ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है गुजरात नर्मदा विला फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड। तो गुजरात नर्मदा विला फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो पिछले दिनों में कंपनी 11% तक तेजी देखने को मिला। इस तेजी के पीछे कारण भी है, मैं कारण आपको समझाऊंगा। उससे पहले कंपनी का कुछ प्रीवियस परफॉर्मेंस दिखा दूं। देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो करीबन 10% के आसपास रिटर्न दिया। एक मंथ में कंपनी 17.5% के आसपास कंपनी यहाँ पर रिटर्न जेनरेट करके दिया, और 6 मंथ में कंपनी देखा जाए तो 18.5% का लॉसेस दिया था। एक साल में कंपनी 30% तक आसपास लॉसेस दिया था, और 5 साल में कंपनी ने क्या किया, कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, 30% के आसपास प्रॉफिट दिया, और मैक्सिमम में कंपनी 3000% का रिटर्न दिया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर इस कंपनी में वोलेटिलिटी क्यों है, क्योंकि पहले भी देखा जाता इस तरीके से गिरावट हुआ था, यहाँ पे भी गिरावट हुआ, यहाँ पे भी गिरावट हुआ। इसके पीछे कारण और कोई नहीं है, कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, कंपनी का मार्केट कैप है 9000 करोड़ के आसपास, और साथ ही साथ कंपनी में और भी कुछ वीकनेस है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर इस तरीके से प्रेशर देखने को मिल जाता है। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक यहाँ पे भी दिखूँ तो इस लेवल में 75% के आसपास क्रैश हो गया था, और इस लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन 78% तक क्रैश हो गया था, और फिर से वही नजरिया यहाँ पे देखने को मिला है। जहाँ पे थोड़ा सा कम करेक्शन हुआ है, मुझे लगता है और भी गिरावट का माहौल बन सकते हैं। इस कंपनी की न्यूज कौन सा है सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, साथ ही साथ GSFC, NGMDC, NGNFC, ये सारे कंपनीज के ऊपर, जितने सारे गुजरात के PSU कंपनीज है सबके ऊपर एक साथ रैली देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी बता रहा है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, Q4 का रिजल्ट आने वाला है, और Q4 रिजल्ट में कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी बोनस और स्प्लिट एक साथ देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के, यहाँ पे देख सकते हैं शेयर ऑफ द 7 लिस्टेड स्टेट रन PSU कंपनी, मतलब गुजरात के 7 गवर्नमेंट कंपनी, जो 15% का तेजी देखने को मिला है सारे कंपनीज के ऊपर, किसी में 10%, किसी में 12, किसी में 13%। तो इस तरीके से तेजी होने के पीछे एक ही कारण है, देखिए कंपनी के जो मतलब ओनर है, जो स्टेट गवर्नमेंट इसका ओनर है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया ए न्यू पॉलिसीज ऑफ, यहाँ पे देखिए कंपलसरी डिविडेंड प्लस बोनस शेयर। इसका मतलब डिविडेंड और बोनस इस दोनों शेयर यहाँ पे मतलब कंपनी में रिजल्ट आने के बाद आपको मिलने वाले हैं। तो इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं गुजरात नर्मदा विला फर्टिलाइजर केमिकल्स, जिसका नाम GNFC नाम से जाना जाता है, तो इस कंपनी के अगर फेस वैल्यू में दिखा दूं तो 10 रुपये के आसपास है। अगर कंपनी स्प्लिट भी करना चाहे तो स्प्लिट भी कर सकते हैं। कंपनी प्रीवियस के डेटा के हिसाब से बता दूं तो कंपनी बोनस आज तक नहीं दिया, तो फर्स्ट टाइम कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है, इस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से बातचीत हो रहा है। तो उसके चलते अगर बोनस अनाउंसमेंट हो गया तो कंपनी में एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहूंगा किसी भी कंपनी के ऊपर तेजी हो रहा है तो उसके पीछे आपको लॉजिक ढूंढना होगा, विदाउट लॉजिक में आप उस कंपनी के बारे में ट्रैक नहीं कर सकते। रही बात क्या इस कंपनी के बोनस के चलते निवेश करना चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनी की देखिए जो बिजनेस है वो केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है, फर्टिलाइजर केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो मैं आपको बता दूं, बहुत शानदार आपको ग्रोथ दिखेगा। कंपनी एकदम जीरो डेप्थ है, एकदम डेप्थ ना के बराबर है। कंपनी अच्छा खासा एनुअली इनकम भी मेंटेन करता है, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी मेंटेन किया, मार्केट कैप टू सेल्स और पैग रेशियो यही बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है एकदम। उसके बाद देखिए कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, 1 रुपया देकर कंपनी 5, मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है इतना इंटरेस्ट कवर कर रहा है, जितना इंटरेस्ट कंपनी पे कर रहा है उस हिसाब से कंपनी 500 गुना रिटर्न कमा रहा है।
अच्छी बात है, कंपनी का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि कंपनी कोई कर्जा ही नहीं ले, नहीं रह, मतलब नहीं ले लेके रखा, सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट, मतलब कंपनी का जो एसेट है उनमें से कंपनी 18% रिटर्न कमा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में एवरेजली 19% के आसपास है। हमेशा कहा जाता है 15% के ऊपर हो तो अच्छा खासा माना जाता है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, सेल्स का जो ग्रोथ है हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है, तो इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट का रेशियो सामने देखने को मिलेगा। क्वार्टरली अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो हर क्वार्टर में हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है। और देखिए ओपीएम भी धीरे धीरे कंपनी का ग्रोथ हुआ, जो पिछली जो कुछ क्वार्टर से जहाँ पे 15-10% के आसपास था, आज वो 22% तक पहुँच चुके हैं, एक्चुअली 28% तक पहुँच चुके हैं। तो करंट सालों में अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, तो हर साल में ग्रोथ होना यही कारण है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है, इसलिए कंपनी 10 साल और 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया। इस कंपनी के ऊपर कैश फ्लो में हमेशा दिखूँ तो कैश फ्लो भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। कंपनी जितना खाते में पैसा दिखा रहा है उतना ही पैसा कंपनी हाथ में आ रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। इसलिए कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा। हाँ आप कहेंगे सर डीएस ने तो माल बेचा, उसका फायदा किसने उठाया? एफआईएस ने उठाया, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं कंपनी, तो इसका ग्रोथ और पोटेंशियल बढ़ने वाला है। रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न अपसाइड में जाकर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, तो अभी कोई रेंज नहीं बना है। जब कोई रेंज बनेगा तब आपके सामने में डिस्कशन जरूर करूंगा टेलीग्राम में। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, इसका नाम है इन्फोसिस। इस कंपनी के ऊपर मैं तब खुश होता हूँ जब इस कंपनी भारी गिरावट दिखाते हैं, क्योंकि मेरे आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर इस कंपनी 6 मंथ में 20% तक लॉसेस दिया, यही इसी का तो फायदा उठाना है। मेरा इन्वेस्टमेंट इस लेवल में था, 1600 रुपीज के पास भी मेरे एक हिस्स मतलब मैंने इंस्टॉलमेंट लगाया था, बहुत नीचे साइड में। इस कंपनी के ऊपर मैं एसआईपी के मोड के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ, जब गिरते हैं तब ज्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे 20% तक डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मौका मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं आपको भी कहूंगा इस तरीके से मौका दोबारा नहीं मिलेगा आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में अभी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, तो अभी से पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो रही बात इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बड़ा न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं कि कंपनी के एक एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि इन्फोसिस इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको मोम कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। तो मतलब सबसे बड़ा जो ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है, तो उसी के साथ यहाँ पे कंपनी क्या किया, डील किया, और डील भी कंफर्म हो चुका है। इसके चलते है बड़े बड़े ब्रोकरेज फार्म बता रहे हैं कि कंपनी 30% अपसाइड में जा सकते हैं। तो सोचिए 20% यहाँ पे गिर चुके हैं, तो कंपनी 30% आप पे जाएगा तो कंपनी के ऊपर आपको कितना फायदा होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस तरीके से मौका को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड के सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी, उन्होंने खुद कहा कि आपको अगर बिलीनियर मिलीनियर बिलीनियर बनना है तो आपको उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करिए जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, और उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करिए जिस कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बाद अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको दे रहा है, तो उसी का फायदा आपको उठाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी साइन कर चुके हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर अरेमको, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कंपनीज है, सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी नहीं गवर्नमेंट कंपनी है अरेमको, जिसका मार्केट कैप इतना बड़ा है जो रिलायंस 4 बार उसमें समा जाएंगे, 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो इतना बड़ा कंपनी इसके साथ डील हुआ है, तो सोचिए आईटी सेक्टर में कितना बड़ा तेजी देखने को मिलेगा। तो इस डील के बाद स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। हाँ इसका रिजल्ट थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा हुआ, फिर भी स्टॉक के ऊपर करेक्शन देखने को मिला था, भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था, एक दिन में 10% तक गिर चुके थे। आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से आज तक एक दिन में 10% 5 साल 10 साल में देखेंगे तो इतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिला था, फिर भी उसको रिकवरी करने का कोशिश भी कर रहा है। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप देखेंगे जिस तरीके से गिरावट हुआ था इसका लोअर साइड में गया था करीबन 1185 तक, और फिर से उसको रिकवरी करके अभी चल रहा है 1227 के आसपास, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो मैं जरूर कहूंगा अगर इस लेवल को फिर से टूटता है तो इस लेवल तक आ सकते हैं 1059 के आसपास, तो मैं इस लेवल के लिए इंतजार कर रहा हूँ। इस लेवल में जब आएगा तो भारी भरकम में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इस रेंज ये दोनों रेंज बहुत स्ट्रांग है, इस रेंज के बाद एक बिग मोमेंटम देखने को मिला था।
तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम आप देख सकते हैं, राधा गोविंद कमर्स, यहाँ पे देखिए कमर्शियल ओआरडी शेयर्स। तो इस कंपनी के बारे में क्यों बात करूंगा, क्योंकि कंपनी एक मंथ में 34% के आसपास रिटर्न दिया और कंपनी एक पेनी स्टॉक है। इसके चलते ही बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ आया है, क्या उसके हिसाब से निवेश करना चाहिए। देखिए कंपनी मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो 100% का रिटर्न दिया, इसके चलते निवेश करना है कि नहीं करना है वो तो अलग बात है। रही बात इस कंपनी के गुड न्यूज के बारे में, तो गुड न्यूज क्या है, कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से स्प्लिट अनाउंसमेंट किया, तो एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी 1 रुपया होने वाला है। इसका मतलब आपके पास अगर इस कंपनी का 100 शेयर थे तो आपको 1000 शेयर मिल जाएगा। तो इसका बेनिफिट पाने के लिए आप निवेश कर सकते हैं, मगर मैं जरूर कहूंगा ये बात भी आप याद रखना, जब इस कंपनी का स्प्लिट होगा तो जो प्राइस रहेगा, मान के चलिए 30 रुपये इसका प्राइस रहेगा, तो जब स्प्लिट हो जाएगा इसका प्राइस हो जाएगा 3 रुपया, क्योंकि एडजस्टमेंट प्राइस भी देखने को मिलेगा उस हिसाब से। तो एक पेनी स्टॉक से भी और भी छोटा पेनी स्टॉक बन जाएगा, तो तब इस कंपनी के ऊपर और भी दिक्कत आ सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं चार चार बार सोचना, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप है। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और मैं इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। तो मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।